स्टूडेंट उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग मॉपअप राउंड का डेट शेड्यूल आ गया है और मॉपअप राउंड में कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे, किन कॉलेजेस में क्या सीट वैकेंसी है, तो ये आपके आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट डेटा है। जो भी स्टूडेंट उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है, उत्तराखंड से बीएमएस या बीएचएमएस वगैरह आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो आपके कॉलेजेस हैं जिनके रिगार्डिंग काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है, पतंजलि आपको ऑप्शन मिलता है उत्तराखंड में, और बहुत सारे स्टूडेंट उत्तराखंड को एक प्रायोरिटी में रखते हैं। इंडिया में बीएमएस करने के लिए एक बड़ा ही अच्छा स्टेट है उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं इनकी अगर हम बात करें तो इनमें मॉपअप राउंड में कितनी सीटें वैकेंट आएंगी, बहुत सारे स्टूडेंट में कोई कंफ्यूजन होता है कि सर सीट नंबर ऑफ सीट वैकेंसी कहाँ से देखी जाए। तो कॉलेजेस में देखिए सीट वैकेंट सीट का कोई भी अभी ऑफिशियल डेटा नहीं आया है। ये जो डेटा है ये निकाला गया है जो राउंड टू में आपकी वैकेंट सीट थी, ठीक है। जैसे कि राउंड टू में पतंजलि के अंदर लगभग 30 सीटें वैकेंट थी राउंड वन होने के बाद, और इसके बाद जो अलॉटमेंट आई है राउंड टू में जो अलॉटमेंट आई है लगभग 23 सीट्स का अलॉटमेंट आया है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वैकेंट सीट आ रही है लगभग में टेंटेटिव सीट्स हम ले सकते हैं, यहाँ पे टेंटेटिव यहाँ पर लगभग 6 सीटें वैकेंट होनी चाहिए। बाई द वे कोई अपग्रेडेशन में सीट्स अपग्रेड हो जाती है या बच्चे और यहाँ पे, तो ये कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, बट लगभग आपको एक सीट्स का आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। तो पतंजलि के अंदर लगभग 6 सीटें हैं। दून इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फैकल्टी मेडिकल साइंसेज ये आपका जो कॉलेज है यहाँ पर राउंड टू में 47 सीट्स वैकेंट थे, 34 अलॉट हो गए और लगभग 13 सीटें यहाँ पर आपको अभी अवेलेबल मिलेगी मॉपअप राउंड के लिए। सिमिलरली हिमालयी है, काया, क्वाड्रा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, शिवालिक, देवभूमि, देवभूमि को लेकर के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी है। देवभूमि मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जो कि आपका देहरादून में लोकेटेड है, तो देवभूमि में जो सीट्स थे राउंड टू में 42 सीटें थी, 31 फिलअप हो गई और फिर यहाँ पर 11 सीट्स वैकेंट बचे, लगभग 11 सीटें यहाँ पे वैकेंट बची। इसी तरीके से ये पूरा आपको डेटा है जो कि उत्तराखंड के प्राइवेट कॉलेजेस के रिगार्डिंग, कॉलेजेस में क्या सीट वैकेंसी है, कहाँ पे कैसा क्या सिनेरियो है, ये आपको हेल्प करेगा आपकी चॉइस फिलिंग में, ठीक है। स्टूडेंट में कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पे क्या सीट वैकेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम एक चॉइस प्रेफरेंस बनाते हैं, कॉलेजेस को फिल करते हैं। अगर आप एक लो स्कोरिंग कैंडिडेट हैं, बहुत सारे बच्चों को राउंड टू में सीट नहीं मिल पाई थी, 200 नीट स्कोर वाले बच्चों को सीट नहीं मिल पाई थी, तो उसमें रीजन ये था जबकि सीट वैकेंसी था, एक अच्छा खासा नंबर ऑफ सीट्स आपका राउंड टू में वैकेंट थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको सीट यहाँ पे अलॉट नहीं हुई, उसका रीजन था कि आपने कॉलेजेस की फिलिंग जो की वो हाई कट ऑफ वाले कॉलेज फिल किए, या आपने कुछ कॉलेजेस डाल दिए कि 3-4 कॉलेज डाल के देखते हैं शायद अलॉटमेंट मिल जाएगा, बट आपको सीट यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं हो पाई। तो ये अभी राउंड जो मॉपअप राउंड है इसमें आपको ये डेटा हेल्प करने वाला है। जल्दी से एक बार कॉलेजेस का पूरा डेटा देखते हैं। हिमालयी की बात करें, हिमालयी में जो यहाँ पर राउंड टू में 37 सीट्स वैकेंट थी, 32 फिल हो गई और 5 सीटें वैकेंट थी, 5 सीटें लगभग आपको यहाँ पर मॉपअप राउंड में मिलेंगी। क्वाड्रा में 28 था, 20 आपकी फिल हो गई और 8 सीटें वैकेंट हैं। देवभूमि मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा यहाँ पे 42 सीट्स थे जो कि 31 फिलअप हो गए और 11 सीट्स आपको यहाँ पे वैकेंट मिलेंगे। अरोमा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दौलतपुर देहरादून यहाँ पर 43 सीट्स थे राउंड टू के लिए, 37 फिल हो गए, देन आपको 6 सीटें केवल यहाँ पे वैकेंट हैं। देन अदर जो कॉलेजेस हैं आपके मदरहुड क्वाड्रा, मदरहुड में भी आपको यहाँ पर बात की जाए 33 सीटें आपके फिल हुए, 23 सीट्स आपके अभी वैकेंट हैं। तो ये टेंटेटिव वैकेंट सीट्स हैं उत्तराखंड में। मॉपअप राउंड में आपको नंबर ऑफ सीट्स मिलेगी, इसका एक कम्युनिटी पोस्ट भी हम लोग कम्युनिटी पे डाल देंगे, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रेस्ट आपकी जो भी अपडेट्स होंगी उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आयुष काउंसलिंग के लिए। रेस्ट यूपी आयुष की भी सीरीज चल रही है, यूपी आयुष वाले में आपको यूपी आयुष के जो वीडियोज हैं, अलग अलग कॉलेजेस के रिव्यूज हैं, साथ में जो काउंसलिंग प्रोसेस रिलेटेड वीडियोज हैं वो आपको चैनल पे मिलने वाले हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।